न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद हुए जवान का शव पहुंचा उनके गांव। डीएम एसएसपी सहित हजारों लोगों ने दिया कंधा, एक झलक पाने को उमड़ी क्षेत्र की जनता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदेय केंद्रों की व्यवस्थाओं का सीडीओ ने किया समीक्षा, कहा लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ होगी कार्रवाई। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मतदाता जागरूकता संबंधित बैठक, उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की गई समीक्षा, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिए गए निर्देश। हर्षोल्लास के साथ निकाली गई समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, मंडलायुक्त ने कहा महिलाओं का सम्मान और बच्चियों की शिक्षित करने से ही होगा महात्मा ज्योतिबा फूले को सच्ची श्रद्धांजलि। 12 अप्रैल को राइस एक्सपो व्यापार मेला का होगा शुभारंभ, 3 दिनों तक चलने वाले मेले में देशी विदेशी कंपनियां करेंगी प्रतिभाग। चैत्र रामनवमी के पूर्व विश्व हिंदू परिषद ने निकाला भव्य श्री रामोत्सव शोभा यात्रा, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव में नाम वापसी के बाद 7 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, शेष प्रत्याशियों के भाग का फैसला 26 को। निर्वाचन को प्रभावित करने के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नकदी एवं काले धन संबंधी शिकायत के लिए आयकर विभाग ने स्थापित किया कंट्रोल रूम, जारी किया टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर। और चैत्र नवरात्र के अवसर पर मंगला माता मंदिर में माता की चौकी और भजन कीर्तन का हुआ आयोजन।